जिला कांगड़ा में कोरोना वैक्सीन की डोज देर रात पहुंच चुकी है। 8600 वैक्सीन की डोज कांगड़ा को उपलब्ध करवाई गई है और आज इस वैक्सीन को जिला कांगड़ा के 4 सेंटर में टीम के माध्यम से भेजा गया है। जिला कांगड़ा में 4 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये वैक्सीन 4 टीमों के माध्यम से पालमपुर, शाहपुर, ज्वालाजी और टांडा मेडिकल कॉलेज भेजी गई है और ये वैक्सीन इन्हीं चारों सेंटर पर उपलब्ध होगी और सबसे पहले कोरोना योद्धा और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि हर सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और चारों सेंटर में 400 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि कितने लोगों को और कब ये वैक्सीन दी जाएगी, इसका ग्राफ पहले से ही बनाया जा चुका है और किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ये दवाई उपलब्ध नहीं है और अगर कोई प्राइवेट अस्पताल किसी को वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन देने के लिए बुलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ये वैक्सीन सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी। वहीं उन्होंने कहा कि ये दवाई स्वेच्छा से लगाई जाएगी, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और वहीं उन्होंने बताया कि अगर आप दवाई लेने आ भी गए हैं और आप दवाई नहीं लेना चाहते तो आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी और दवाई लेने के बाद व्यक्ति को 30 मिनट तक स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में रहना पड़ेगा ताकि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम चारों सेंटर में तैनात रहेगी। देखिए, पिछले एक साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और ऐसे में बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि एक दिन ये वैक्सीन आएगा और हमारे जो फ्रंट लाइन, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एटलीस्ट पहले फेज़ में उनके तक हम इसको पहुंचा पाएंगे। कल 16 तारीख को पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का लॉन्चिंग है और ऐसे में जिला कांगड़ा में भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। कल जिला कांगड़ा में टोटल 4 जगहों पर, टांडा मेडिकल कॉलेज में, ज्वालामुखी सिविल हॉस्पिटल में, पालमपुर सिविल हॉस्पिटल में और शाहपुर सिविल हॉस्पिटल में 100-100 लोगों को, कुल मिलाकर 400 लोगों को पहले फेज में वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक कुल मिलाकर 6750 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें पूरा जिला के जो माइक्रो प्लान है वो तैयार है और टोटल जो हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर हैं लगभग 14,000 की लिस्ट है और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी 14,000 की लिस्ट है। तो आने वाले 31 मार्च तक हमारी कोशिश रहेगी कि ये 28,000 का जो आंकड़ा है जो वैक्सीनेशन का, वो पूरा किया जाए और कोरोना के खिलाफ जो एक युद्ध सा चला हुआ है उसमें किसी जिस प्रकार से वैक्सीन का अब समागम हो गया है तो उस पर किस प्रकार से विजय पा सकते हैं उसको लेकर जिला प्रशासन पूरा प्रयासरत है। देखिए, समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से भी, हेड डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इस तरह के जो फियर्स हैं उनको डिस्पेल किया जा रहा है और आने वाले समय में मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर इस प्रकार के कोई भी डाउट आते हैं उसको हटाने की हम कोशिश करेंगे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इसी वजह से इसकी कल लॉन्चिंग होने वाली है। हाँ, इसमें ज़रूर कुछ कैटेगरीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये बताया गया है कि कुछ कैटेगरीज़ को अभी ये वैक्सीन हम नहीं देने वाले हैं, जैसे जो 18 साल से नीचे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या लैक्टेटिंग वुमेन हैं उनको, और उसके अलावा जो बहुत पहले भी बहुत सारे वैक्सीन को लेकर आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए हैं, तो ऐसे में कोई वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनको नहीं दिया जाएगा। और साथ में कई लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ऐसे लोगों, तो ये 4 कैटेगरीज हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है इस वैक्सीनेशन को ले सकता है और जो सरकार की जो सरकार का माइक्रो प्लान आया हुआ है कि किस प्रकार से इसको हैंडल करना है, तो जिसको भी वैक्सीन दिया जाएगा उसको अगले 30 मिनट तक मॉनिटर किया जाएगा। अगर कोई आफ्टर इफेक्ट आते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर न्यूरोसर्जन से लेकर अन्य जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी तैयारी टांडा में की गई है ताकि अगर किसी प्रकार की इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा। तो पूरे ही बहुत ही ढंग से, प्रभावी ढंग से इसको कल लॉन्च करने की तैयारी है जिला प्रशासन की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि कल 400 जो लोग इस वैक्सीन को ले रहे हैं अगले 42 डेज तक अपने आप को बचा कर रखेंगे, क्योंकि इसका जो दूसरा डोज है वो 28 दिन के बाद होना है और 28 दिन के उपरांत जब दूसरा डोज आपको दे दिया जाता है उसके अगले 14 दिन के बाद इसकी जो एफिकेसी देखी जाती है। तो टोटल 42 डेज का टाइम सबको अपने आप को सेफ रखना होगा जो भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उसके उपरांत देखते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो कोविड पॉजिटिव होंगे क्या उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा? नहीं, इसमें क्लियर किया गया है कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो 6 से 8 वीक्स के बाद ही इस वैक्सीनेशन को करवाएं। तो उसमें हमारे बहुत सारे, हमारे भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे पॉजिटिव हैं
उसी प्रकार से हमारा जो माइक्रो प्लान है तैयार किया गया, उसी हिसाब से जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से सेशंस क्रिएट किया गया है। ये भी नहीं कंफ्यूजन है कि ये जो वैक्सीन आई है क्या वो स्वेच्छा से लगाई जानी है जबरदस्ती होगी या उनको किस तरह से? देखिए बिल्कुल वॉलंटरी है ये, स्वेच्छा से है। अगर जो नहीं लगवाना चाहते हैं, अगर वो हमारे सेशंस में भी आते हैं तो वो डिनाई कर सकते हैं इस चीज़ को। ये वॉलंटरी है और किसी को भी हम जोर जबरदस्ती करके इस वैक्सीनेशन को नहीं करने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग में लगभग 3 बजे के आसपास हमें स्टेट हेडक्वार्टर शिमला से 8600 डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की मिली हैं, जिसमें से 800 डोजेज जो थी वो स्पेसिफिकली आर्मी मेडिकल कोर के लिए थी। और कल हम 4 जगह पे इस कोविड वैक्सीन को लॉन्च कर रहे हैं, आरपीएमसी टाडा में, सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में, सिविल हॉस्पिटल ज्वालाजी में और सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में। तो उसके संबंधित उनको जितनी भी मटेरियल की ज़रूरत थी वो अभी आपके सामने हमने डिस्पैच कर दिया है। ये तो कल के लॉन्च साइट्स की तैयारियां हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग जो हमारे पास डोजेज आई हैं फर्स्ट फेज़ में, ये मेनली जो है हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनके लिए हैं। हमारे पास जिला में इनकी संख्या 13,703 है। अभी हमें फर्स्ट फेज़ में 8600 डोजेज मिली थी और हमें आश्वासन मिला है कि निर्देश हैं सरकार के कि वो सप्लीमेंट होती रहेंगी। अभी हमने जो 2 फरवरी तक लगभग 42 सेशन प्लान किए हैं जो 18 तारीख से 2 फरवरी तक चलते रहेंगे, इन 4 सेशंस को डाल के। और इस वैक्सीन को से हम जितने मैक्सिमम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। जो कल लॉन्च साइट पे हर एक साइट पे जो है 100 वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है। हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं बेनिफिशरीज टांडा में भी, पालमपुर में भी, ज्वालाजी में भी और शाहपुर में भी। तो 100 के पर सेशन के हिसाब से हम उनको वैक्सीनेट करें। कल 400 लोग जो है वो हम वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। सरकार के हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी, तो अभी जो हमारे पास जितनी डोजेज आई थी हमने उसके हिसाब से 42 सेशन जो हैं वो प्लान कर लिए हैं, जिसमें हम लगभग 7000 जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट कर पाएंगे। और ये जो है प्रथम डोज होगी, और सेकेंड डोज की व्यवस्था जो है जो 28 दिन के बाद लगनी है वो सरकार द्वारा शिमला में सप्लाईज पड़ी हुई हैं, वो जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सप्लाईज वहाँ से आ जाएंगी। और इसके साथ साथ जो बाकी स्वास्थ्य कर्मी रह जाएंगे इसे, उसकी सप्लाई जैसे आएगी उनके लिए भी सेशंस प्लान कर दिए जाएंगे। आपका सवाल बहुत जायज़ है। जो वैक्सीन के तरफ से जो मैन्युफैक्चरर हैं और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आज इंजेक्शन लगा और कल से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक जब सेकेंड डोज लग जाएगी, जिसको कल वैक्सीन लगती है उसको 28 दिन के बाद उसकी सेकेंड डोज लगेगी और उसकी जो वैक्सीन का पूरा एफिकेसी या इफेक्ट आने में 14 दिन और लगेंगे। तो 42 दिन के बाद जो है वो आदमी अपने आप को सुरक्षित समझ सकता है, पर 42 दिन तक जो दिशा निर्देश कोविड के संबंध में है, मास्क का उचित उपयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों की सफाई और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना, ये सारे दिशा निर्देश हर एक आदमी को मानना।